नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीजी हिमाचल पर। तो आज बात होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए गए बजट के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30,000 नौकरियां, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स, आउटसोर्स, चौकीदार, आईटी, एसएमसी शिक्षकों की मानदेय में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2022-23 में 8,412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 30,000 नौकरियां देगी सरकार। प्रदेश सरकार 30,000 नौकरियां देगी। विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। सशस्त्र बलों के शहीद और विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति को 1,500 रुपये करने की घोषणा की गई। वर्ष 1983 से इस छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई और 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक का ही प्रावधान था। IRDP छात्रवृत्ति योजना का नाम अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना होगा। छात्रों को अब 300 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को 1,200 से बढ़ाकर 5,000 प्रतिवर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2,400 रुपये से बढ़ाकर अब 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मानदेय बढ़ाने की भी हुई घोषणा। अब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,100 रुपये प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिका को 4,700 रुपये प्रतिमाह, आशा वर्कर्स को 4,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई अध्यापिका को 7,950 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स को 3,500 रुपये प्रतिमाह, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय, जल रक्षक को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पस वर्कर्स को 3,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय, पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 5,550 रुपये प्रतिमाह मानदेय, दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई गई, आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, पंचायत चौकीदार को 6,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, राजस्व चौकीदार को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, राजस्व लंबरदार को 3,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। SMC शिक्षकों का मानदेय 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। यथावत सेवाएं जारी रहेंगी और ना ही इन्हें हटाया जाएगा और नई नीति बनाने पर विचार होगा। IT टीचर को 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। SPO को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा। संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा। 100 करोड़ की लागत से ताबो में बोध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। 12,769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देंगे। पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत अब 5 साल के बजाय अब 3 साल में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों से वर्तमान में सड़कों की संख्या बढ़ने की तुलना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरुड़ योजना शुरू होगी। शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर लगेगा शराब के वैध स्रोत का पता। एक मोबाइल ऐप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है। हिम केयर कार्ड रिन्यूअल अवधि बढ़ाई। हिम केयर कार्ड अब 1 नहीं 3 साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले ही अवधि 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लिनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। बिजली दरें घटाने की घोषणा। BEd और TET पास शास्त्री और LT अब TGT और स्कूल प्रवक्ता नियु भी अब प्रवक्ता कहलाएंगे।
टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा, यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार नामक योजना शुरू करने की भी हुई घोषणा। नए निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। महापौर नगर निगम को 15,000 रुपये प्रतिमाह, उप महापौर नगर निगम को 10,000 रुपये प्रतिमाह, पार्षद नगर निगम को 6,050 रुपये प्रतिमाह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8,000 रुपये प्रतिमाह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6,500 रुपये प्रतिमाह, पार्षद नगर परिषद 3,000 रुपये प्रतिमाह, प्रधान नगर पंचायत को 6,500 रुपये प्रतिमाह, उप प्रधान नगर पंचायत को 5,000 रुपये प्रतिमाह और सदस्य नगर पंचायत को 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय अब से दिया जाएगा। तो वहीं जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6,000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6,550, सदस्य पंचायत समिति को 5,550, प्रधान ग्राम पंचायत 5,550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3,500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना। कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1,000 नए आंगनवाड़ी भवन बनेंगे, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, इन पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12,000 लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा। साथ ही शुरू होगी मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40,000 नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली पेंशन 850 से 1,000 रुपये करने की घोषणा हुई। दिव्यांग विधवाओं एकल नारियों को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने की घोषणा। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70% से अधिक विकलांगों को पेंशन अब 1,500 रुपये से बढ़ाकर 1,700 रुपये करने की भी घोषणा की गई। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान। गौ वंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौ सदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद अब 700 रुपये की। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई। सीएम ने एक शेर बोलकर इसकी घोषणा की। जब गाय ही नहीं होगी तो गोपाल नहीं होंगे, इस दुनिया में हम खुशहाल नहीं होंगे। दी गई जानकारी और सूचना से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया इस वीडियो पर लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी बनाई हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।